नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल। हमारे अपने YouTube चैनल आई फॉर इन्फॉर्मेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आशा करते हैं कि आप जहां भी होंगे अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आज बात करेंगे कि बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन बोर्ड डिपार्टमेंट के तहत जो कुछ दिन पहले नोटिस जारी किया गया था, तो उसका एग्जामिनेशन डेट जारी कर दिया गया था और ऑनलाइन एडमिट कार्ड की जो तिथि थी वो भी जारी कर दिया गया था, जो 15 अक्टूबर 2020 से होना था, लेकिन इसे बढ़ाकर अब 27 नवंबर कर दिया गया है। और ऑनलाइन एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की तिथि 12 नवंबर कर दिया गया है। तो इसी को लेकर मैं इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन बोर्ड डिपार्टमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आ जाना है। आ जाने के बाद आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस शो करेंगे, जैसा कि आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो आपके सामने लेटेस्ट अपडेट करके शो हो रहा है, तो उस बॉक्स पे लिखा हुआ है कि इम्पोर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड ऑफ DCECE, जैसा कि हमारे पोर्टल पर आप देख रहे हैं। जैसे ही हम उस वाले बटन को प्रेस करते हैं तो ऑटोमेटिक उसका जो नोटिस है वो PDF फॉर्मेट में है, वो ऑटोमेटिक डाउनलोड होकर मेरे सामने खुलकर आ जाते हैं, जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे हैं। दोस्तों, मैं चाहूँगा कि इसे जूम कर दिखाया जाए। जैसे कि मैंने जूम किया तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो कर रहा है। मैं इसे आपको जरूर पढ़ कर बताना चाहूंगा। जैसे कि आप ब्लैक कलर का जो बॉक्स है उस पे लिखा हुआ है डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2020 पॉलिटेक्निक अभियंत पार्ट टाइम 4 वर्षीय पॉलिटेक्निक अभियंत्र पारामेडिकल इंटरमीडिएट स्तरीय पारामेडिकल डेंटल जो माध्यमिक स्तरीय होता है उससे संबंधित आवश्यक सूचना यहां जारी किया गया है। ये नोटिस 14/10/2020 अर्थात 14 अक्टूबर का है। दोस्तों, जैसे कि यहां आप देख रहे हैं सर्वसाधारण एवं डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2020 से संबंधित सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि विज्ञापन संख्या BCECE/BDCECE/2020/09 डेट 19/9/2020 के अनुसार परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए ऑनलाइन एडमिट कार्ड प्राप्त करने की तिथि 15 अक्टूबर 2020 एवं परीक्षा की तिथि दिनांक 31 अक्टूबर 2020 एवं 1/11/2020 निर्धारित थी, जिनको किसी अपरिहार्य कारणों से निम्नवत पुनः निर्धारित किया जाता है अर्थात बढ़ा दिया जाता है। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं इशू ऑफ ऑनलाइन एडमिट कार्ड, मतलब ऑनलाइन एडमिट कार्ड जारी होने की जो तिथि थी वो पहले 15/10/2020 थी, लेकिन इसे बढ़ाकर 12/9/2020 कर दिया गया। और जो होने वाली एग्जाम थी पार्ट टाइम पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग 31/10/2020 थी, लेकिन इसे अब 26/9/2020 कर दिया गया है। और वहीं बात करते हैं पारामेडिकल एवं पारामेडिकल डेंटल की, तो इसका पहले डेट 1/11/2020 थी, लेकिन इसे अब बढ़ाकर 27 नवंबर कर दिया गया है।
दोस्तों, आशा करते हैं कि मेरी द्वारा यह बनाया गया वीडियो आपको जरूर पसंद आते होंगे। थैंक यू।